प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से चुनाव प्रचार शुरू। कर्नाटक के हुमनाबाद में जनसभा को संबोधित किया। अपने हर दौरे में 3 से अधिक रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हुमनाबाद में मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने मुझ पर 91 बार गाली दी। जब जब कांग्रेस ने मुझे गाली दी, जनता ने जवाब दिया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज कर्नाटक में चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मधुगिरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी एलसी नागराज के समर्थन में रोड शो करेंगे और 3 जनसभाएं भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज धारवाड़ा में कालाघटकी में रोड शो करेंगे। डोंबला में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर दावनगरे में रोड शो करेंगे। मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह दावनगिरे के हरिहरेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कृष्ण राजा में रैली करेंगे। इसके बाद श्रीरंगपटना में जनसभा और बासनगुड़ी में रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक में प्रचार करेंगे। धारवाड़ में कुंजगुरु में करेंगी रोड शो और नवलगुंड में जनसभा को करेंगी संबोधित। कर्नाटक में कांग्रेस की ताबड़तोड़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी आज मांड्या में 2 जनसभा और हासन में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावनगिरे में पंचमसाली मठ का किया दौरा। पीएफआई को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी जब जब कर्नाटक में आई, उसने गरीबों किसानों की चिंता नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का शिवमोगा रैली में कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस नेता या तो जेल में होते हैं या बेल पर होते हैं।